हेलो दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति स्वरूप बोरकर है। हमारे नॉलेज चैनल मेघा कंप्यूटर्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने मिले तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कुछ बढ़िया सीखते हैं। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखो कैसे पढ़ते, देख लो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसको उसका विकास करना। अब ये तो आपके दिमाग के ऊपर से चला गया होगा, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ही चीज को जान लेते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे आप इस लड़की को देख पा रहे हैं, इसके चेहरे पे देखिए, इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितना एकदम परफेक्ट है, कितनी खुश है, कितनी एकदम अट्रैक्टिव है, कितना अच्छा टैलेंट लग रहा है कि एकदम परफेक्ट पोस्चर है इस लड़की का। तो हम जानते हैं कि पर्सनैलिटी होता क्या है। पर्सनैलिटी क्या होता है, टोटलिटी मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है, वो इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स, अपने अपने अलग अलग इंसान का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया, उसका ईगो मतलब घमंड या फिर अहंकार भी हम बोलते हैं, इंटरेस्ट, उसे क्या पसंद है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, वो कैसे कैसे इमोशन को रिस्पॉन्स करता है, एंड सोशल रोल, वो समाज में कैसा कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सब। ठीक है, हिंदी में यहाँ बताया गया है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार, दृष्टिकोण, अहंकार, रुचियों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और सामाजिक भूमियों का समग्रता है। ठीक है, इसका मतलब पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि यार कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके उस बंदे के अंदर में बातचीत करने का तरीका होगा, उसमें कपड़े पहनने का ढंग होगा, उसमें लोगों के प्रति एक अच्छी रिलेशनशिप होगी, हम वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, अच्छी पर्सनैलिटी, लोग आपको अच्छा बोले, उसके लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले गुड फिजिक, मतलब आपका शरीर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसको हम जैसे बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब हमारा शरीर ही हमारा धन है, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे ही सबसे अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, प्लीजिंग मैनर, मतलब आप जब भी किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद वो आप उनको कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, क्या बस हाय हेलो करके एकदम मतलब ही जैसे रहते हैं क्या, उससे नहीं। जैसे प्लीजिंग मैनर का मतलब आप जब किसी से मिलते हैं तो आप बहुत खुशी से मिलते हैं। अपीयरेंस, मतलब जब भी कोई काम आपको दिया है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपीयरेंस करते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस, ऐसे लोग जो बहुत खास होते हैं, गुड, जिनकी पर्सनैलिटी गुड होती है, उनका उनकी बुद्धि, उनका दिमाग बहुत सटीक तरीके से काम करता है, उन्हें पता होता है कि कब क्या कहा बात करनी है, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, स्मार्टनेस, स्मार्टनेस का मतलब होता है सुंदर, नहीं, स्मार्टनेस का मतलब होता है ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो आपको उस समय करनी चाहिए जो आपके व्यक्तित्व में शोभा बढ़ाए। ठीक है, ट्रस्टवर्दीनेस, ऐसे लोग विश्वास के पात्र होना चाहिए, आपको दूसरों पे भरोसा करते आना चाहिए, ये गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी, मतलब आप लोगों में घुल मिलने का भी गुण आपने होना चाहिए, लोगों में घुलने मिलने का भी गुण आपके अंदर होना चाहिए। मालूम चला कि आप एक पार्टी में गए लेकिन वहाँ पे आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको सब में घुलना मिलना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लोग जिम्मेदार होने चाहिए। ठीक है, कोई काम आपको दिया गया है तो वो आपको अच्छे से निभाना है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको खुद की रिस्पेक्ट करते आना चाहिए, आपको खुद का सम्मान करना पड़ेगा तभी आप लोगों की नज़र में अच्छे बन पाएंगे। गुड कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड, आपका जो कंट्रोल है, आपका जो नियंत्रण है, वो आपके शरीर पर और आपके दिमाग पर अच्छे से होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या करने से शरीर को अच्छा फायदा मिलेगा और क्या करने से दिमाग को फायदा मिलेगा। मैनेजमेंट स्किल, आपको हर एक चीज को प्रबंध करते आना चाहिए, संभालते आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें थी अच्छे पर्सनैलिटी के लिए। ठीक है, अच्छी अगर आपको पर्सनैलिटी बनानी है तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी आपको, सिर्फ दो चीज़ों से मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आपको अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, नीड मतलब आपको ज़रूरत है अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, वो है एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड। तो पहले हम जान लेते हैं हेल्दी बॉडी के बारे में। तो
हेल्दी बॉडी का मतलब होता है स्वस्थ शरीर। आपका शरीर जितना स्वस्थ रहेगा उतना आप आकर्षित लगेंगे, उतना ही आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन, तो हेल्दी बॉडी कैसे बनेगी आपकी, जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, मतलब अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सस्ता खाना खाएं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हेल्दी खाना खाएं, और अगर हो सके तो वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ। नॉनवेज के मुकाबले आप वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, उससे आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। पर्सनल हाइजीन, आपको खुद को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ठंडी का मौसम है तो आप बिना नहाए उठ के कहीं भी निकल गए, ठीक है। आपको अपने आप को सुंदर रखना है, अपने शूज़ पॉलिश करो, अपने कपड़े प्रेस करो, अपने बाल ठीक से करो, अपनी अपना चेहरा सही होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का मतलब है खुद की देखभाल करना, ठीक है, खुद को स्वच्छ रखना। एक्सरसाइज है ना, अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम में क्या क्या कर सकते हो आप, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, जिम जा सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, है ना। चलो, तो ये तो सारी बातें होगी बॉडी को फिट करने की। अब हमारे माइंड को भी तो स्वस्थ रखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए दो टेक्निक है अपने पास, बहुत सारे टेक्निक है। उसमें से पहला है ट्राई टू बी स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब लाइफ में कितनी भी टेंशन क्यों ना हो आपके पास में, लेकिन आपको शांति से रहना है, शांत रहना है, ठीक है। तनाव मुक्त रहने की प्रयास करें। जैसे यहाँ देखिए, मैंने फोटो में दिखाया आपको, एक लड़का चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, इससे इसके दिमाग में क्या बनेगी छवि की, ये तो बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत चिल्लाता है। लेकिन यहाँ देखो, ये लड़का कितना शांति से बातें कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट ले रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको भी ऐसा बनना है, ओके। बी काम एंड कूल, कैसे पढ़ते हैं इसको, बी काम, एल हटा दो, बी काम एंड कूल, शांत बने रहे, ठीक है। अपने आप को हमेशा, जब भी किसी से बात करो तो अपने आप को ऐसे दिखाओ कि आपको कोई टेंशन नहीं है, हमेशा बहुत रिलैक्स रहो। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बुद्धू रहो, मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ का टेंशन वहाँ रखो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तीसरी बात, डू मेडिटेशन। आप करो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है समय तो मत करो, लेकिन मैं सलाह देता हूँ कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेरे हिसाब से सादी भाषा में ध्यान करो का मतलब क्या होता है, कि आपको सुबह उठने के बाद 5-10 मिनट एक जगह बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेना है और अपने आप से बात करना है। एग्जांपल, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ये बात करूँगा कि कीर्ति, आज तो उठ गया सुबह सुबह, तो आज क्या करेंगे दिन भर अपन, है ना। भगवान, तूने मुझको मौका दिया जिंदा रहने का, तो आज मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। मतलब दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। आपको अपने बारे में जानना है, अपने आप से बात करना है, क्योंकि आप नोटिस करो, आप पूरी सुबह उठने के बाद रात में सोने तक सबको समय देते हो पर खुद को समय नहीं दे पाते। इसलिए आपको खुद से बात करना बहुत 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 ज़रूरी है, और वो आपको सिर्फ एक जगह से मिलेगा, मेडिटेशन से, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रवैया। जैसे लड़की को देखो, भले इसको बहुत टेंशन हो, लेकिन इसका एटीट्यूड हो क्या बोल रहा है, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो कुछ भी देख रही हूँ अपनी लाइफ के आगे सब कुछ सही है। डोंट वरी अबाउट स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें कि वो क्या बोलती मेरे बारे में, मैं क्या बोलती, मैंने ये क्यों कर दिया, वो ऐसा क्यों सोचती मेरे बारे में। ये सब छोटी छोटी फालतू की बातें इग्नोर करो, तभी बड़े होगे, तभी शांत बनोगे। बी फोकस्ड एंड क्लियर, जो भी आपने सोचा है बिल्कुल उस पर डटे रहो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की ही पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की नहीं। भले ही आपको डॉक्टर की इसमें जगह नहीं मिली, एक साल घर बैठो, फिर से फॉर्म भरो, लेकिन बनना डॉक्टर ही, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मतलब अब हमने क्या देखा कि पर्सनैलिटी क्या होती है, एक ऐसा रूप जो सबको खुश करता है, लेकिन उसको डेवलप भी तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो कैसे करेंगे, ये होता क्या है, कैसे विकास होगा इसका, तो सबसे पहले आपको ये बातों को सीखना पड़ेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियरल ट्रेट्स सच एज कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपको बातचीत करने का तरीका, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब आपका लोगों के साथ में कैसा रवैया है, आपका खुद के प्रति कैसा रवैया है, प्रोफेशनल फ्रंट आप लोगों के सामने कैसा पेश आते हो, एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ,
आप जिंदगी को कैसे देखते हो, ठीक है, एंड रिस्टोरिंग अवर इथिक्स, आप अपने सिद्धांत पे कैसे रहते हो। तो देखो, पब्लिक स्पीकिंग, जिसकी पर्सन जिसको पर्सनलिटी डेवलप करनी है वो हमेशा पब्लिक में बातें करना सीख जाता है। बॉडी लैंग्वेज उसकी बहुत बेहतर हो जाती है, बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, गुस्से पे उसका काबू होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, अच्छा ही खाना खाना चाहिए, फालतू का नहीं। फ्रेंड्स मेकिंग स्किल, उनमें दोस्त बनाने की कला होती है। लर्निंग स्किल, कुछ भी जल्दी सीखने की कला होती है। रिलेशनशिप स्किल, वो जल्दी दोस्ती कर लेते। कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका उनका अच्छा होता है। और डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या आती है तो ये इस प्रकार के लोग इन सबको डील कर लेते, संभाल लेते। जैसे ये बंदे को देखो, कितना खुश लग रहा है, वो काम भी कर रहा है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है और हर एक चीज़ उसका परफेक्ट लग रहा है। मेन चीज़ है कि वो खुश है, राइट। तो आपको खुश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गई उनके गुण, जिनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है उनके अंदर भी ये गुण होते हैं। लेकिन अब सवाल तो ये आता है कि सर, हम लोगों को भी डेवलपमेंट करना है हमारे बॉडी के अंदर, तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करें, है ना। शुरुआत तो करना पड़ेगा ना आपको भी कहीं ना कहीं से। तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, छोटी सी टिप्स, जैसे ये व्हाट टू डू फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आपको खुद का व्यक्तित्व का विकास करना है, सबसे पहले क्या करो, रीड अ लॉट अबाउट इट ऑन इंटरनेट। मैंने जितना बताया उतना ही बहुत मत समझो। इंटरनेट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, या 50-60 रुपए की किताब खरीद लो और उससे भी और नॉलेज लो, लेकिन चालू करो। रीड अ लॉट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ो। किसके बारे में? इट का मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। इसके बारे में बहुत सारा सुनो, समझो, जान लो। वॉच सक्सेसफुल पर्सन, आपको कामयाब लोगों के बारे में जानना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, जो लोग कामयाब होते हो, क्या बचपन से पेट से कामयाब होके निकलते हैं क्या? नहीं ना। तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की होगी। तो क्या करो, किसी भी ऐसे कुछ बंदों को पकड़ो, खास लोगों को पकड़ो, जैसे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, धीरू भाई अम्बानी, रतन टाटा, जो बहुत से फेमस लोग हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, ये ऐसे जो भी नामी लोग हैं, फेमस लोग हैं, इनको पकड़ो, पढ़ो और वर्क ऑन स्किल्स इम्प्रूवमेंट। आपके अंदर जो भी गुण की कमी है उस पे ज़्यादा ध्यान दे के उसको इम्प्रूव करना चालू करो, ठीक है। एक दिन में डेवलपमेंट नहीं होता है, बहुत समय लगेगा। कितना समय मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्या पता एक दिन में आप अच्छे डेवलप हो जाए, क्या पता एक साल भी कम पड़ जाए। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स कि हाउ यू डेवलप योर सेल्फ, आप कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं, ठीक है, कितना जल्दी सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर दिया है आपको, हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी में एक फ़ोटो है ये आदमी की, जिसका नाम है रॉबर्ट डोनी जूनियर। देखा जाए तो पहले ये एक क्रिमिनल था, ड्रग्स लेता था, नशे करता था, लेकिन आपको यकीन होगा यकीन नहीं होगा कि ये आज पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस आदमी है एक्टिंग की फील्ड में। ये आप जानते हैं क्या इसको, बताओ कौन है? यस, वही है, ये है आयरन मैन, है ना, याद आ गया, टोनी स्टार्क एवेंजर मूवी में का। यस, तो इसने भी अपने लाइफ में बहुत से चेंजेस किए हैं। वैसे बहुत से लोग हैं, आप ऐसे इंटरनेट पर जाओ और बहुत मेहनत करो, ठीक है। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, आप लोग भी बहुत मेहनत करो और अपने आप को बाकी लोगों जैसा डेवलप करो, ओके। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।